ई अनवर अली ये सब छिया थे और सुनत में हमने शामिल किए उफ्ती अकबर मदनी साहब और मौलाना इलियास कादरी साहब याद रहे आज के टॉपिक में वो शामिल हैं जो बाश रजब की नियाद पकाने को सही समझते हैं तो आइए हम अपने की जाते हैं और सुनते हैं वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं बाईस रजब को मौला इमाम जाफ़र सदक आल सलाम से मनसूब न्याज की जाती है और 22 रजब को हम मौला इमाम जाफ़र सदक आल सलाम की न्याज देकर अल्लाह ताला की बारगाह हमें मौला इमाम जाफ़र सदक सलाम को वसीला और वास्ता बनाकर अपनी हाजात तलब करते हैं अलबतः जो लोग नजर न्याज के अकीदा नहीं रखते या खिलाफ़ हैं वो लोग इस नज़र न्याज को रोकने की भी कोशिश करते हैं रही बात यह कि हम किसी के मरने की खुशी मनाते हैं हम रजब को क्यों किसी के मरने की खुशी नहीं मनाते हैं अलबत्त मोहम्मद वाले मोहम्मद के जितने भी दुश्मन हैं वो जिस दिन भी मरे हमें उस दिन खुशी है अलबत् कुछ लोग इसकी बड़ी हदूदों को यूद करते हैं कि घर से बाहर ना निकालें फला खाए और फलाना खाए इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है आ, और एक हिस्ट्री बयान की जाती है लकड़ हारे वाली ये किसी मोतबर तरीन किताब के अंदर नहीं है ये वाकई देखिए अहिल के नाम के ऊपर बहुत से हमारे यहाँ नजर का सिलसिला जारी है कोई जरूरी नहीं है इसका शहादत से हो इमाम की शहादत से नहीं है बल्कि ताक़द की गई है कि तुम मोमिन की दावत करो लिहाजा मोमिन ने वो भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि उसके बाद हिस्सों में है कि कूडे की नज़र करते हैं नवाबिन के जमाने से ये रस्म चली आ रही है कि इमाम जाफ़र सदक़ सलाम के रूह अतर को हदिया करते हैं और शीडीनी वगैरह बना के मुफन को खिलाते हैं खिलाने की ताकीद की भी गई है तो ये असल कुंडा तो ये मिट्टी का जो बर्तन है ना वो गहरा बर्तन मिट्टी का जो होता है उसको कुंडा बोलते हैं अंदर में जो है वो खीर है शादियों में बिरयानी ही पके और बीस तरह के आइटम पके इस पर कलम कभी कोई नहीं करता खीर पूरी वो खीर पूरी की नस्बत दरअसल आले रसूल से इमाम जाफर सादक रजी अल्लाह तमाम जाफर सादक रजी अल्लाह तुन की न्याज करते हैं तो शैतान जो है बादलता है क्यों तो इसकी दलील क्या तो इसकी तो हमेशा एक रसूल याद रखें कि किसी चीज के अदम जवाब की दलील ना होना खुद दलील जवाब है इन्हें शरीयत ने जिसको नाजायज नहीं कहा वो जायज़ है वरना तो बहुत सारी बातें नाजायज हो जाएंगी माइक पर बोलना शरीयत ने कब कहा कि माइक पर बोला कर जायज़ है ना मना भी तो नहीं कहना सिर्फ ये सारी सारा सिस्टम ही नया तो इसलिए वो खीर पूरियां ही क्यों नाजायज हो जाए जायज है, है तो बाए के कुंडो की कोई है नहीं है लेकिन लोग तबरुकन व जिस तरीके से बाय जमादिसानी की नज़र है दस्तरखाना इमाम सलातम इसी तरीके से बाईस रजब के कुंडे हैं जो मनसूब है इमाम जाफ़र सलाम से इसमें लकड़हारे की कहानी पढ़ना वगैरह ये कोई कहीं पे कोई ये रिवायत नहीं है और शायद एक रीज़न ये भी हो कि इस दिन मौला अली अलैहि सलाम का एक सख्तरीन दुश्मन जो है वासिल जहन्नम हुआ है तो उसकी खुशी में भी जो है वो बहरान हम जो है ये नज़र दिलाते हैं एक भाई ने क्वेश्चन किया कि मिट्टी के बर्तनों में खीर वगैरह पकाना इसको इसकी नियाज वग़ैरह करना कैसा है आम आदमी के लिए जो खाना वगैरह पका के खिलाया जाता है उसको फातहा कह देते हैं और किसी बुजुर्ग के लिए बुजुर्ग शख्सियत के साले सवाब की गरज से कोई खाना वगैरह खिलाया जाए तो उसको अदबन न्याज कह दिया जाता है चूंकि शर... इसलिए सवाब का तस्वर शरा तस्वर है तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन ये कोई उदात लगाना कि जी मिट्टी के बर्तन में होगी जिस कमरे में पड़े हैं उसी में खाना होगा दूसरी जगह ले जाना मना है ये तमाम इजाफे हैं और अगर इनको और जरूरी समझ के किया जाए तो नाजायज भी है माहिरव दिगार का वो अज़ीम महीना है कि जिसमें रोजे रखने का बहुत ज्यादा स्वब है और लोगों को खाना खिलाने की भी बहुत ज्यादा फजीलत लिजा इस महीने में मोमिन बाईस रजब सताइस रजब ये ज्यादा मशहूर है कि इन दिनों न्याज करते हैं और जिसको कुंडू की न्याज कहा जाता है अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को परवत दिगार ने लोगों को खाना खिलाने की वजह से ख़लीलुल्लाह बना दिया मौल के नाथ हजरत अली अबी नबी तलेब्लाम फरमाते हैं कि खुद खाने से इंसान के अंदर बदबू पैदा होती और दूसरों को खिलाने से खुशबू पैदा होती है कि इस फजीलत को वो शख्स जो रोजा नहीं रख सक रहा है वो शख्स जो उम्र पे नहीं जा सक रहा है वो अगर इस फजीलत को हासिल करना चाहता है उसके लिए राह इतम है वो रजब में दस्तरखान बिछाए अपने मोमिन बरदरान को भाइयों को उस सफरे पर भुलाए खिलाए इतम करे राह खुदा में खुशनुदी है खुदा के लिए और उसी स्वाब को हासिल करे जो रजब में इबादतों का रोजों का उम्र का था इसलिए रजब में मोमिनीन दस्तरखान बिछाते हैं बाईस रजब की नजर के हवाले से दो तीन नुक़ात काबिल तोज्जो है पहली बात यह है कि मोमिनीन को अपने घर बुलाना उन्हें दावत करना खिलाना पिलाना उनके साथ मुलाकात करना इसकी रवायात में बहुत ज्यादा ताक़द की गई है दूसरी बात यह है कि खुद अहले बैत का ये हुक्म है और वो ये चाहते हैं कि ममिन उनके नाम पर इकट्ठा हों उनके नाम पर बज़म सजाए जाए महफ़िल सजाए जाए चाहे उसके लिए कोई ख़ास दिन ही मुन किया जाए लिहाजा इस इसवान से बाईस रजब की नज़र मनाने में और कुंडे या दूसरे खाने जो बनाए जाते हैं उसमें कोई हरज नहीं है और ख़ुद आयतल सैद सिस्तानी और आयतल अली खामनाई के दफ्तर से पूछे गए इस्तीफ़ा के मुताबिक फी नफ्स ही इसमें कोई इश्काल नहीं है बल्कि यह एक जायज़ अमल है हाँ इसको बाईस रजब के या माह रजब के किसी मुस्तहब अमल की के केनवान से या शरीयत के हुक्म के तौर पर नहीं मनाना चाहिए लिहाजा जनरल तौर पर इस नज़र को अंजाम देने में कोई हरज नहीं है यहाँ पे कुल पाँच दलाल दिए गए पहला रजब के महीने में सदका और खरात करने का बहुत सवाब है इसलिए बाईस रजब को सदका और खरात किया जाता है रजब के महीने में खाना खिलाने का बहुत सवाब है इसलिए बाईस रजब को खाना खिलाया जाता है तीसरा यह कि इमाम जाफर सादिक की विलादत के दिन भी है इसलिए खुशी है और चौथी एक राय यह भी है कि इमाम अली के दुश्मन की इसी महीने में वफात है और आखिरी दलील ये कि किसी बुजुर्ग या विलादत की खुशी में पकाई गई न्याज खाई जा सकती है ज्यादा इन सब चीज़ों को मिला के रजब के महीने में उन्हें खाए जाते हैं और खुशी की जाती है